तो मतलब आदत हो गई तो मैनेजेबल है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। मैनेजेबल अच्छा ही है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि मतलब हर दिन हर टाइम पे इसकी प्रॉब्लम हाँ। आ रही है। कोई कोई स्पीड ब्रेकर बहुत ही गंदे होते हैं, एवरेज देती थी पर लीटर सिटी में, सिटी में तो बहुत कम था, और अगर हाँ। हाईवे पे ले जाते थे तो फिर समझ लो। हे गाइस वेलकम टू बर्निंग व्हील्स। तो आज हमारे पास कौन सी गाड़ी है वो देखते हैं कि आज हमारे पास है होंडा सिटी। होंडा सिटी के ओनर रिव्यू के लिए हम लोग आए और ये है हमारे साथ ओनर होंडा सिटी के। तो गाइस विनय ये होंडा सिटी ओन करते हैं, और इन्होंने कब ली थी गाड़ी वो, और ये कैसी चल रही है, क्या क्या इन्होंने चेंजेस किए इसमें, और कितने में ली थी वो सब हम लोग जानेंगे। तो हम अभी ये कल्याण में, तो इन्होंने गाड़ी ली थी उल्लासनगर से, कारवर्ल्ड उल्लासनगर से गाड़ी ली थी। तो बाकी सारे डिटेल्स हम गाड़ी के अंदर बैठ के डिस्कस करते हैं, अभी बाहर बहुत हवा भी चल रही है। तो लेट्स गो इनटू द कार। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं, अभी सोफ़ा पे बैठ चुके हैं। तो सोफ़ा पे बैठने के बाद हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं अपने। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि कौन सा मॉडल है ये, और कितने किलोमीटर रीडिंग पे गाड़ी ली थी आपने? मॉडल है ये होंडा सिटी आईवी टेक पेट्रोल है, और मैंने ली थी अराउंड 72,000 चल चुकी थी। अच्छा, मैंने ली थी हाँ। और कौन कितने ओनर है इसके? इसका एक ही ओनर रहा था पहले। अच्छा, और ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है भाई जी, ऑटोमेटिक गाड़ी है। और इन्होंने कितने में ली थी? मैंने ली थी ये 3.25 लाख में। तो गाइस 3.25 लाख मतलब काफ़ी कम में इनको ऑटोमेटिक भी मिल चुकी थी। और कौन सा ईयर में, कौन सा ईयर का मॉडल है ये? 2011 का है। 2011 10 साल पुरानी रहेगी तब ली थी। हाँ, 3.25 में एकदम सही पड़ी थी। हाँ। और कंडीशन भी है ना तभी अच्छी लग रही होगी। हाँ, कंडीशन बाहर से भी बहुत अच्छी थी, मतलब प्रीवियस ओनर ने ध्यान बहुत रखा था, पूरी हाँ। सर्विस थी वहाँ से, होंडा से हाँ, सर्विस हाँ। थी जेन्युइन से, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। थोड़ा बहुत जो एसी वगैरह का था वो सब भी मुझे असिस्ट कर दिया था, जहाँ से मैंने हाँ। गाड़ी ली थी उन्होंने सब असिस्ट करके दे दिया था मुझे, जो भी एसी वगैरह का प्रॉब्लम था या फिर रेयर सेंसर्स हाँ। जो थे, रेयर पार्किंग सेंसर्स बंद थे उसके, तो वो भी लगवा दिए थे। तो बाकी तो ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं था। और ये कौन सा मॉडल था, मतलब टॉप मॉडल या? टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल पेट्रोल। तो कैमरा वैमरा कुछ नहीं आता था? नहीं नहीं नहीं, कैमरा कुछ नहीं आता था, सेंसर आते बस थे। सेंसर आते थे, पार्किंग सेंसर आते थे बस। लेने के बाद कितना चला लिया इस गाड़ी को? अभी तक मुझे लगता है 10-12,000 नहीं, हाँ 10-12,000 चल चुकी है। 10-12,000 चला लिया है, चल चुकी है अभी तक। लगभग 70,000 के आसपास हाँ, लिया था ना? लिया था, अभी 80,000 होगा, 80-85 तक होगा आई गेस। तो 10-12,000 लगभग चला चुके हैं गाड़ी को, और 1.5 साल में मतलब नॉर्मल ही रनिंग है, ऐसे बहुत लंबे लंबे तो नहीं ट्रिप्स? हाँ नहीं, इतना नहीं, मतलब कभी कभार रहता है 100-150 हाँ। किलोमीटर तक का रहता है मैक्स। हाँ, 150 किलोमीटर तक जाते हैं, मतलब वही आसपास ही पुणे वगैरह हाँ, हाँ। गई गाड़ी तो वैसा ही, बाकी नॉर्मली सिटी हाँ। का यूजेज रहता है ज़्यादा। और सबसे मेन बात तो पेट्रोल लेने के बाद आपने कितने टाइम में इसको सीएनजी में कन्वर्ट किया? पेट्रोल गाड़ी लिया तो था मैंने, बट हाँ। फिर जैसा आपको पता है कि पेट्रोल बहुत महंगा है, ठीक हाँ, है, और फिर ऐसा था कि जितना टाइम मैं इसको यूज कर रहा था तो पेट्रोल का इसका माइलेज भी बहुत कम था, मतलब तो देखो पेट्रोल में तो गाइस माइलेज कम ही रहता है, और ये ऑटोमेटिक है सीवीटी, और क्या इसका इंजन भी पुराना है, तो मतलब उस हिसाब से इतना एवरेज तो नहीं था इसमें, माइलेज के लिए तो गाड़ी नहीं थी, बट फिर इसीलिए तुरंत मैंने, मेरे को लगता है हार्डली 2000 किलोमीटर चली होगी, उसके बाद ही मैंने सीएनजी में कन्वर्ट करा लिया था। अच्छा, और मतलब सही लगा कि डिसीजन? हाँ हाँ, वो तो सबसे बेस्ट डिसीजन था कि इसको सीएनजी करवा लिया, क्योंकि कैसा है ना कि मतलब थे ऐसा भी मैंने सुना था, मतलब सीएनजी लगाने के पहले की मतलब गाड़ी में प्रॉब्लम आती है, पिकअप वगैरह नहीं लेती है ऐसा, बट फिर वो आई थिंक पर्टिकुलर मॉडल्स के हिसाब से भी होता है, जिस तरीके से मतलब मेरी गाड़ी की बात है पर्सनली, तो मुझे लगता है कि फिर माइलेज अगर सीएनजी के हिसाब से देखा जाएगा तो सीएनजी में वो बहुत तगड़ा माइलेज देती है, तगड़ा माइलेज देती है, और वो काफी मतलब अफोर्डेबल हो जाती है फिर। और इंजन चेक लाइट वगैरह कुछ नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब अगर सही जगह से अगर सीएनजी लगाओ तो उसकी कोई दिक्कत होती नहीं है। आपका मतलब बजट कितना था, और ये मुझे बता दो कि आप मतलब क्या ढूंढ रहे थे मार्केट में, मतलब अल्टो भी मिल जाती है या एस्प्रेसो मिल जाती है 4.5 लाख में वगैरह? हाँ, तो आपने मतलब सेकेंड हैंड ही क्यों चुना? हाँ एक्चुअली कैसा है ना, 4 लाख तक का मेरा बजट था, बट फिर अभी गाड़ी इतनी महंगी हो गई है कि मतलब 4 लाख में एक बेस मॉडल आता है या फिर चार मतलब में एक मतलब बहुत अच्छी गाड़ी नहीं आती, और एक्चुअली
मेरे को फैमिली के लिए भी, मुझे फैमिली के लिए भी प्रेफरेबल था कि हमें सेडान ही चाहिए। फिर कैसा है ना कि ये डील मेरे को मिल गई अच्छी, और गाड़ी एक बार में पसंद आ गई, कंडीशन वगैरह बहुत अच्छी थी, मतलब एकदम क्लीन थी, कुछ भी कहीं से ठोकी हुई वगैरह नहीं थी, तो इसीलिए फिर इस पे ही माना गया। वरना कंसीडर तो की थी काफी सारी गाड़ियां, बट फिर सेकंड हैंड पे फर्स्ट हैंड के लिए ज्यादा सोचा, फर्स्ट हैंड के लिए इतना नहीं सोचा था क्योंकि बजट कम था, तो फिर ऐसा था कि उसमें बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाता, कि मतलब एक अच्छी गाड़ी नहीं आती। तो होंडा सिटी मतलब लेने का ही प्लान था या फिर और कोई दूसरी गाड़ी देख रहे थे? ऐसा प्रेफरेबल मतलब दो तीन गाड़ियां सोची थी सेडान में, वही स्विफ्ट डिजायर तो नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा मार्केट में वही मिलती क्योंकि सबसे ज्यादा बिकती भी वही है, तो सेकंड हैंड मार्केट में भी ऑब्वियसली डिजायर सबसे ज्यादा होती है। बट वो गाड़ी प्रीमियम सेडान में नहीं आती, नहीं आती है, नहीं आती है, और फिर उसमें वो वैसा फील भी नहीं है, उतना अच्छा नहीं है वो फील नहीं है। हाँ, तो मेरा ऐसा मतलब टोयोटा इटियोस था एक, और होंडा सिटी मैंने सोची थी, और वेरना भी सोची थी, अगर वेरना कोई अच्छी मिलती है, बट फिर वेरना भी कैसे ना थोड़ा ओवर बजट जा रही थी, एक दो मॉडल्स में को देखने मिले थे। अच्छा। लेकिन फिर कैसे है ना, होंडा सिटी के प्राइसेस काफी अच्छे हैं मार्केट में, जो सेकंड हैंड मार्केट में होंडा सिटी के प्राइस काफी अच्छे हैं, मतलब काफी अफोर्डेबल लगती है। हाँ, तो 3-4 लाख में आपको मिल जाएगी। हाँ, मिल जाएगी, मतलब अगर 11-12 वाली गाड़ी आपको 3-4 लाख के बीच में मिल जाएगी। हाँ। अगर सब कुछ सही है तो फिर आप सेकंड हैंड कार की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं, और आपको बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, और उसमें फीचर्स भी आपको मिलेंगे, स्पेस भी मिलेगी, ड्राइविंग डायनामिक्स इस गाड़ी के बहुत ही अच्छे, हाई स्पीड वगैरह में भी बहुत स्टेबल चलती है। हाँ, हाई स्पीड में अगर आप हाईवे पे चला रहे हो तो बहुत अच्छा फील है गाड़ी का, हाईवे पे चलाने के लिए बहुत सही है, कि मतलब रोड पकड़ के चलती है गाड़ी। मैंने अभी तक तो बहुत ज्यादा नहीं किया है, बट फिर 140-150 तक किसी को भी हम रेकमेंड नहीं करते कि टॉप स्पीड वगैरह टेस्ट करो गाड़ी का, और मतलब 120 वगैरह बहुत ज्यादा अच्छा स्पीड है। हाँ, कहीं पे भी जाने सही है, सही है। तो गाइस अभी गाड़ी है सीएनजी में, देखते हैं कि ये कैसी पिक हो रही है। तो स्टार्टिंग में एक पुशबैक मिला था, फिर 3,000-3,500 पे चेंज कर रही है गाड़ी। अगर हैवी फुट दिया तो काफी लेट चेंज करेगी। हाँ, और एक्चुअली इसमें स्पोर्ट्स मोड भी है। अच्छा, स्पोर्ट्स मोड जिसमें मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है पेडल शिफ्टर से। हाँ, अच्छा, तो अगर और भी आरपीएम तक लेकर जाना है तो फिर स्पोर्ट्स पे डाल के करेंगे तो फिर नहीं शिफ्ट होती है। ओके, और ये ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह के कोई इश्यूज वगैरह? ग्राउंड क्लियरेंस के तो इशू हैं, मतलब होंडा सिटी, पर्टिकुलरली होंडा सिटी के साथ ग्राउंड क्लियरेंस का एक्चुअली काफी इशू है। ग्राउंड क्लियरेंस कैसा है, अपने यहाँ पे सारे जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं गंदे से बने हुए हैं। हाँ, मतलब वो एकदम स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ, तो ग्राउंड क्लियरेंस का तो काफी इशू होता है, मतलब मैंने तो अभी इसमें वो लगवा कर रखे हैं जो हाइट पैड लगा के रखे हैं, तो फिर उससे थोड़ा हेल्प हुआ। बट फिर कैसा ना, मैंने एक्चुअली सीएनजी भी लगवाई थी, तो उसके टैंक का भी पीछे थोड़ा वेट आ जाता है बूट। हाँ, टैंक पे तो उसकी वजह से भी गाड़ी थोड़ी बैठ जाती है, और ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं होती है, बट जब 5 लोग बैठे हैं, फुली लोडेड गाड़ी है, तब थोड़ा सा इशू हो जाता है, आपको स्पीड ब्रेकर्स पे से धीरे लेना पड़ता है। अब कैसे है ना, मेरे हाथ में ही गाड़ी है और चलाते चलाते मेरे को आदत हो गई है, तो मुझे उतना इशू नहीं होता है। बट फिर अगर कोई नया आदमी मेरी गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो हो सकता है उससे गाड़ी घिस जाए, कि उनको समझ में ना आए कि स्पीड पे लेनी है, ऐसा हो जाए। बट फिर ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि इशू नहीं है, इशू तो है। कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं, इसके कुछ पॉजिटिव्स है तो मतलब आदत हो गई तो मैनेजेबल है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। मैनेजेबल अच्छा ही है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि मतलब हर दिन हर टाइम पे इसकी प्रॉब्लम आ रही है, बट फिर बट कभी हो सकता है आ जाए, हो सकता है कि कोई कोई स्पीड ब्रेकर बहुत ही गंदे होते हैं, और सिर्फ स्पीड ब्रेकर पे प्रॉब्लम आती है, गड्ढों का ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। गड्ढों में ऐसा नहीं है कि गड्ढों में भी घुस जाती है तो फिर लग रही है नीचे स्पीड ब्रेकर पर्टिकुलरली। और फिर आप बताओ कि सीएनजी में इसका क्या माइलेज आ रहा है, और पेट्रोल में क्या माइलेज आ रहा था आपको? पेट्रोल में तो माइलेज क्या ही बताऊं, पेट्रोल का तो माइलेज ऐसा नेग्लिजिबल था तो भी मतलब एक बता, जब चलाते थे, जब मैंने गाड़ी मतलब न्यू ही ली थी, तभी भी मैंने जब चलाई थी तो मुझे लगता है हार्डली 10-12 तक का, 10-12 एवरेज देती थी पर लीटर सिटी में, तो बहुत कम था। और अगर हाईवे पे ले जाते थे तो फिर समझ लो 14 तक दे देती थी, 2 किलोमीटर और दे देती थी अगर आपका आरपीएम पे मतलब स्मूथ ड्राइव करोगे तो उस हिसाब से उसका माइलेज तो काफी कम था। सीएनजी लगाने के बाद थोड़ा बेटर हो गया। सीएनजी पे आई थिंक मुझे 9 kg सीएनजी में फुल होता है टैंक, और उसमें 120 किलोमीटर कवर कर लेती है एक फुल टैंक में। ओके, तो आई थिंक 14-15 तक का एवरेज मिल जाता है, और हाईवे पे। हाँ, सीएनजी में हाईवे पे और अच्छा मिल जाता है।
हाईवे पे तो 22 के आसपास मिल जाएगा। अभी तक जब मैं शिरडी लेके गया था गाड़ी, तब मुझे लगता है कि मैंने एक फुल टैंक पे चलाई थी 180 किलोमीटर। तो भाई अब बताओ कि इसमें कोई प्रॉब्लम आई है क्या आपको लेने के बाद, या फिर कोई बड़ी इशू जो बाद में आपको पता चले वो? लेने के बाद नहीं, ऐसा तो कोई इशू नहीं आया, क्योंकि एक्चुअली मैंने चेक भी कराई थी, मैंने सर्विस रिकॉर्ड भी देखा था, तो गाड़ी के साथ पहले भी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं था, टाइमली सर्विस थी, तो मतलब ऐसे कोई चीजें फेस नहीं की। बट मैंने हेडलाइट जैसे चेंज की थी, एक हेडलाइट मेरा आगे का था जो काफी ब्लर हो गया था, तो अच्छा। उसपे मैंने पॉलिश वगैरह करवाया था, हेडलाइट के बल्ब चेंज किए थे, हो जाता है वो टाइम के साथ, हो जाता है। बेसिक बेसिक चीजें थी, टायर्स चेंज किए थे मैंने, मतलब मेरे जो जो ऑलरेडी लगे हुए थे टायर वो मैंने चले थे अराउंड 4-5 हजार किलोमीटर वो चल गए थे, उसके बाद मैंने फिर मैंने चारों टायर न्यू करवा लिए थे। चारों टायर नए करवा लिए। पहले से भी ब्रिज कितने कितने में पड़े इसके टायर आपको? टायर एक टायर था 6,800 का। ओके, 24,000 के अराउंड आपको पड़ गया। हाँ, चारों टायर, मतलब मैंने एक साथ चारों नहीं लिए थे, मैंने लिया था पहले दो लिए थे, फिर बाद में वापस दो लिए थे, ऐसा। स्पेस तो भाई मैं पूरा खाली। तो गाइस अभी गाड़ी में क्या क्या आपको मिल जाता है वो देख लो। तो सबसे पहले आपको बड़ा सा बूट मिलेगा और सीएनजी टैंक भी लगाया है भाई ने, और इसके बाद भी देखो कि इतनी ज्यादा जगह बची है, मतलब दो सूटकेस तीन सूटकेस तो आराम से आ जाएंगी इसमें। यहाँ पर इसकी स्टेपनी आ जाती है, स्टेपनी भी है ना यहाँ पे, लगभग अल्टो की दो स्टेपनी आ जाएगी इसमें, और टैंक भी मतलब बहुत अच्छे से फिटिंग की है यार इसने। हाँ, बहुत अच्छी फिटिंग की है, एकदम कॉर्नर में लगाया और पूरा बूट यूज कर सकते, पूरा बूट यूज कर सकते। तो भाई आपकी हाइट कितनी है वो बता दो एक बार व्यूअर्स को। मेरी हाइट है 6'1" हाइट है, और यार गोपाल तू बैठ जा आगे, गोपाल की भी हाइट 6 फुट है, तो दो 6 फुट के लड़के अगर बैठेंगे तो आपको कितनी स्पेस मिलेगी? तो अभी इसकी सीट पूरी पीछे है, पूरी पीछे है, और आपको इतनी जगह तो भी मिल रही है। हाँ, मिल रही है। और हेड स्पेस वगैरह भी? हाँ, हाइट तो है, मतलब आई गेस 2-3 इंच छूटता है। मुझे तो काफी स्पेस मिल रही है, मेरी हाइट है 5'8" और ये सामने वाली सीट भी शायद सेम ही है। हाँ, पूरी पीछे, पूरी पीछे, तो इतनी ज्यादा स्पेस मिल रही है और कंफर्टेबल भी है। आप लॉन्ग ड्राइव वगैरह आराम से कर सकते हो। किसको ये गाड़ी लेनी चाहिए वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन है इसका आइडियल कस्टमर। तो जिसको भी अगर एक स्पेशियस गाड़ी चाहिए और कम्फर्टेबल ड्राइविंग चाहिए, सिटी में ही चलना है बस, और ऐसे मतलब गाँव वगैरह में नहीं रहते हो, सड़क आपके यहाँ पे बहुत अच्छी है, तो फिर आप ये गाड़ी बिल्कुल ले सकते हो, बिकॉज इसका जो ड्राइविंग डायनामिक्स है, कंफर्ट है इसमें और फीचर्स है वो सारे अच्छे हैं। ऑटोमेटिक के साथ अगर आप लोगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा आराम मिल जाएगा आपको, बहुत ज़्यादा। और अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको सेकेंड हैंड कार लेनी चाहिए या फिर फर्स्ट हैंड, तो आप देख लो कि अगर आप सेकेंड हैंड लोगे, अच्छी गाड़ी आपको मिल गई तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी गाड़ी मिलेगी और ये काफ़ी कैपेबल भी होती है, क्योंकि दूर मतलब अगर आपको लॉन्ग ड्राइव जाना है कहीं तो फिर बहुत ज़्यादा कैपेबल होती है। आपको छोटी गाड़ी शायद उतना मज़ा ना दे पाए, उसमें थोड़ी स्पेस की कमी पड़े या फिर बूट कम पड़े, इसमें आपको बहुत बड़ा बूट मिलता है, लाइक एक सीएनजी सिलेंडर होने के बावजूद आपको एक बहुत बड़ा बूट मिलता है। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ आप कमेंट्स में आप मुझे पूछ सकते हो, एंड वील हैव द डिस्कशन ओवर देयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।